हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। सो गाइस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, और हमने कल मतलब स्टोन की माइनिंग की थी और घर बनाने का ट्राई किया था, लेकिन हमारे पास उतना सामान नहीं था। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं अपना खुद का घर सर्वाइवल में। और मैं जब माइनिंग करते करते आया तो मुझे मिला विलेज, जो काफ़ी अच्छा विलेज है, और मैं इधर आसपास में ही कहीं पे तो अपना घर बनाने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। बड़ा घर लेना थोड़ा मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा घर लेने के बारे में सोचिए, फिर आगे जाकर हम थोड़ा बड़ा करते जाएंगे। तो ये है वो विलेज। मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया विलेज, लेकिन आज हम देखेंगे क्या है उस विलेज में। तो मुझे दूर से आयरन गोलम तो दिख गया था, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और मैं नीचे गिर गया स्टार्टिंग में, और मेरे पास बिल्कुल भी कोल नहीं बचा। मैंने सारे की टॉर्चेस बना दी, और जो फर्नेस है वो मैं वहाँ पे भूल गया, फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैं माइनिंग करते करते आ रहा था, विलेज मिल गया मुझे, और मैंने अपना पूरा सामान स्टोन का फिर से अच्छे से बना दिया है, और जो आयरन और था उसे मैंने स्मेल्ट करके आयरन इनगट में बना दिया है। और ये लेदर वर्क का है विलेजर। सो इधर बहुत सारी हे बेल है, तो इसे हम ले लेते हैं। इससे हम वीट बनाएंगे, और वीट से हम बनाएंगे ब्रेड, जिससे काफ़ी अच्छी एचपी बढ़ती है, हमारी हेल्थ बढ़ती है, एचपी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं। सो 7 हे बेल हो चुकी है, तो 7 से बनेगी 63, एक स्टैक ही बन गई। तो ये विलेज अभी तो मतलब रात हो गई है, तो अभी हम सुबह ही जाके एक्सप्लोर करेंगे। ओके हमें थोड़ा सा तो खाना मिल गया। एक लाइन में कर देते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पे पूरा जो है वो अच्छे से प्लॉट बना दिया है, जहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे। तो ये मैं अभी ग्रास इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि ये घर के अंदर आ रही है, तो ये मैं अभी निकाल लेता हूँ फिलहाल। और ये भी टूट देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा। और मेरी शवल जो है वो अच्छी खासी थी, लेकिन ये डर्ट तोड़ने में पूरी की पूरी ख़त्म ही हो गई है। ओके चलो, तो अभी मैं सबसे पहले तो ओके तो मैंने अभी 10x10 का घर बनाने की सोच रहा हूँ। इधर 3 है उधर 3, तो ओके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ख़त्म। चलो अभी फिर से नहीं जाते हम। मुझे एक माइन दिखी थी, माइन नहीं थी मतलब माउंटेन था पीछे की साइड। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, तो मैं फटाफट से ये पार्ट स्किप करता हूँ और बहुत सारे स्टैक मतलब 3-4 स्टैक लेके आता हूँ, और उसे स्मेल्ट करके ब्रिक्स कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा अगर मैं आपको सब बताऊंगा तो। सो देखो गाइस, मैंने अभी पूरा सामान जो है वो ये वाली चेस्ट में रख दिया है, ये वाली। तो अभी मैं पूरा सामान ले लेता हूँ, और अभी ये 2-3 ज़ॉम्बीज आए थे तो इनको मैंने अभी मार दिया है। तो अभी मेरे पास ये एक मैं स्वॉर्ड रख रहा हूँ। मैंने बहुत सारे स्टोन्स वहाँ माउंटेन है वो मैं बहुत अंदर खुदाई करते करते लेके आया हूँ, मैं बहुत मेहनत लगी है, तो बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स चाहिए हमें, क्योंकि पूरा घर उससे बनने वाला है, ठीक है। सो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था। तो अभी इधर जो मैंने बनाने वाला हूँ वो मैं 12x12 का बनाने वाला हूँ, तो क्या लुक भी अच्छा आएगा। और यार अभी सुबह भी ज़ॉम्बीज आने लगे, तो अभी मैं ऐसे ही मतलब पिकैक्स
7, 8, 9, 10 ओके, तो ये पूरा एक स्टैक बराबर पूरा मैंने इधर बेस बना दिया है। अभी पूरा हम इधर कवर कर देते हैं अंदर से, तो मस्त रहेगा। स्टोन पिक्स लगा रहा हूँ मैं, और फिर आगे जाकर जिसका नाम और मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले पिलर बना देता हूँ। तो मैं 4 हाइट रख रहा हूँ अभी, तो ये इधर से ऊपर से फोर, मतलब 1, 2, 3, 4 मैंने अभी पूरे में पिलर कर दिया है, अभी हम इसको कवर करते हैं। और मैं पूरा पता लगा सकता हूं ये और टैब बनाने के बोलता है, तो ये अभी पूरा बोल रहा है बाद में बनेगी, कभी सीक्रेट अंदर बनाया तो ऐसे कांड नहीं डैश मुझे एक पूरा टैब लगा एक और टैब लगा दूसरा चाहिए। और ये भी हो गया है, सो ऐसा लगेगा अंदर से। और मैं बहुत सारी शीप्स को मार के कारपेट ले लूँगा उससे, मतलब वूल लेके कारपेट बना दूंगा मैं, ताकि हमारा जो घर का लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैं कर देता हूँ पूरा, बीच बीच में मैंने थोड़ा से कम ब्लॉक लगा दिए, तो ये हो गया। अभी देखो गाइस, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो हमने किया ना वो हम तोड़ देते हैं और बीच में हम लगाते हैं ग्लास, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ग्लास हमें, ग्लास बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सैंड बहुत सारा, तो मैं ओशियन में तो अभी जाने का मतलब बहुत टाइम लगेगा, तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, इधर कहीं पे भी रिवर होगी ना तो हम वहाँ पे जाते हैं और ग्लासेस बना के लाते हैं बहुत सारे। सभी मुझे जाना ही पड़ेगा ग्लास लेने के लिए, तो मैं देखता हूँ हमें कहाँ पे मिलता है ग्लास। शवल ले लेते, एक बना देता हूँ मैं। सो गाइस, मैं यहाँ से बहुत सारी सैंड लेके आ गया हूँ, और अभी हम चलते हैं हमारे घर में फटाफट से। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे पास कितना सादा सैंड है, 2 स्टैक सैंड है। और अभी हम उसको स्मेल्ट भी करते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा देर लगेगी। मैं कोल भी लाया हूँ, और मेरी जो एक शवल थी वो पूरी टूट गई, और मैं रात को गया था, अभी सुबह हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मैंने किया है काम। सो इसको हम एक ब्लॉक तोड़ देते हैं, क्योंकि इधर ग्लास आएगा तो उससे और ज़्यादा लुक अच्छा लगेगा। कि तो मैं ज़्यादा शायद से गलत किया, ओके मैंने रॉन्ग किया, फिर से लगा देते हैं, कोई बात नहीं। मुझे एक स्टेयर्स भी बनानी पड़ेगी 2-3। तो अभी मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा पार्ट स्किप करता हूँ, और जो पूरा ग्लास मेल्ट करवाना, मैं 2 स्टैक लाया हूँ सैंड, तो हम फटाफट से उसको मतलब स्मेल्ट करवाते हैं। गाइस अभी आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने बहुत सारे ग्लास जो है वो स्मेल्ट कर दिए। अभी मुझे यहाँ पे बनानी है पेन, जो ग्लास पेन आती है वो ऐसे ही बनती है ना, ओके तो ये 16 बन गई, इतनी बहुत है, इसलिए मैं ज़्यादा तोड़ के लाया था। ओके तो मैं एक काम करता हूँ ना, अभी स्टेयर्स भी बना देता हूँ, ऐसे बनती है ना, ओके ऐसे नहीं बनती, ये लेते हैं स्टेयर्स कैसे बनती है, ये रही, ओके ये ऐसे बनती है। तो मैंने 4 स्टेयर्स भी ले लिए, इसको हम ऐसे लगाते हैं। अभी तो ये अच्छा लुक नहीं दे रही, क्योंकि ये चेस्ट है ना, इसलिए फिर अच्छा लुक देगी। ओके चलो, इधर हम ग्लास पेन लगा देते हैं, शायद से मुझे थोड़े से, ओके इतना तो बहुत, देखो अभी मस्त लग रहा है ना। और इधर की साइड ग्लास आएंगे पूरे, तो वो और भी अच्छा लगेगा। ओके अभी मस्त लग रहा है, ये मैं अभी स्टोर करवाता हूँ, क्योंकि इसका अभी कोई भी काम नहीं है। अभी ये काम करते हैं हम, और एक बड़ा का सारा बेच लेगा, कि मेरे पास एकदम नॉर्मल आ गया, टैक्स की रसीद का चेंज है, क्या उसको हम करते हैं। ये मेरी वेस्ट हो गई, मेरे पास सारे के सारे ग्लास खत्म हो गए, मुझे सिर्फ ए मतलब 1, 2, 3 के लिए मुझे जाना पड़ेगा, सैंड को फिर से स्मेल्ट करवाना पड़ेगा। चलो करवाते हैं,
मैं कोल भी लाया था बहुत सारा, लेकिन सिर्फ 6 बचा। कोई बात नहीं, अभी हम इसको फिर से स्टोर करवा देते हैं चेस्ट में। अभी सैंड से ग्लास बन गई क्या? ओके 6 बन गई, इतनी बहुत है। तभी हम चलते हैं और अपना ये जो काम आधा है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो पूरा हमारा घर है वो ऊपर से हम ग्लास का करें। देख एक काम कर सकते हैं हम, जो बॉर्डर है वो हम ब्लॉक से कर देते हैं और ग्लास जो है वो हम रखते हैं, बीच का जो पार्ट है ना वो हम रखेंगे ग्लास का, तो दोनों हो जाएगा, दोनों मस्त लगेगा। तो ये अभी मैं बॉर्डर कर देता हूँ, फिर कोई अच्छा आइडिया आएगा तो हम चेंज कर देंगे। ये भी तोड़ते हैं फटाफट। ये तो हमारा अभी घर का सिर्फ थोड़ा सा काम रहा है, बस ये हो जाए ग्लास जल्दी जल्दी से। अभी जो हमारी घर की लुक है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो अभी हम इधर पूरा कर देते हैं। हम देख के आते हैं हमारी घर की जो लुक है वो कैसी आ रही है। ओ भाई अच्छी आ रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। सो ये जब चला जाएगा ना तब और भी अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से बेड लेता हूँ और इधर अंदर की साइड में जहाँ पे धूप आ रही है ना वहाँ पे साइड में थोड़ा सा हम प्लेस कर देते हैं। और अभी मैं ऊपर का फ्लोर नहीं बना रहा, सिर्फ ऊपर का छोड़ रहा हूँ खुला, और फिर हम कल देखेंगे करते या नहीं करते। तो अभी मेरे पास देखो कितना आया ना, 13। तो मैं सोच रहा हूँ अपना जो सारा सामान है वो मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर दूँ अपने इसमें से आयरन में, ठीक है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, तो मैं कर ही रहा हूँ अभी, तो मैं आयरन स्वॉर्ड और पिकैक्स मेन कर देता हूँ, फिर हम जब भी माइनिंग करने जाएंगे तब हम करके आएंगे, थोड़ा सा आयरन ले लेंगे, फिर एक्स और वो सब तो हम बना देंगे। तो अभी मैं इधर आयरन लेता हूँ, ये रहे 13। तो मैं अभी आयरन पिकैक्स एक हमारी बन गई, ठीक है। अभी हम बनाते हैं अपनी आयरन की स्वॉर्ड, और मैं थोड़े से जो ब्लॉक्स है ना वो रखने वाला हूँ, क्या पता आगे काम आए। तो अभी हम इधर आयरन रख देते हैं, और क्या मस्त लग रही है आयरन की पिकैक्स, ठीक है। सो अभी क्या हुआ, क्या ये 11 हुआ सिर्फ। अभी हम फटाफट से करते हैं, हम रात को भी काम कर सकते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज तो नहीं आएंगे ना, हमारा घर है तो। और मैं सोच रहा हूँ हम टॉर्चेस भी लगा ही दे, तो वो तो हम बाद में लगा देंगे, अभी ये हम काम करते हैं। अभी फिर से लेने जाना पड़ेगा, मैं अभी पूरा ये अंदर ही ले लेता हूँ, तो ये लेता हूँ और अंदर चला जाता हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा देर लगेगी, ठीक है। तो अभी फर्नेस लेता हूँ, मैं अभी इधर ही रख देता हूँ साइड में, ताकि टॉर्च का भी ये काम हो जाए। सैंड ओके, मुझे शायद से प्लैंक्स रखने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। अभी ज़ॉम्बी से क्या, मेरे को ये सामान लेना है इसमें। ओके तो ये ग्लास अभी बना रहा है, तो अभी मैं रात में टॉर्चेस लगा देता हूँ इधर। तो अभी तो देखो लुक तो अच्छा आएगा नहीं, लेकिन ज़ॉम्बीज के बचने के लिए तो हमें लगाना पड़ेगा। और ये विलेज कितना अच्छा लग रहा है रात के टाइम पे। अभी मैं इधर एक लगाऊंगा, इधर टाइल आए देखो, अभी ये लोग अंदर नहीं आ सकते, इसलिए मैंने अभी शेल्टर बना दिया अपना। ओके अभी हमारा पूरा घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर का जो है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन वो हम कर देंगे। तो अभी ये हम काम फटाफट से निपटाते हैं, मतलब कम मेरे पास ग्लास थोड़े से है, पता नहीं कहाँ से है लेकिन थोड़े से है। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सामान हमारा वो वाली जगह पे था जहाँ पे हमने, मतलब थोड़े दिन पहले हम जहाँ पे रुके थे वहाँ पे है, तो मैं शायद से जाऊँ 2-3 दिन में। और हमारे पास ग्लास की कमी और मैं तोड़ रहा हूँ, वाह कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है मुझे जाना पड़ेगा, ये नहीं जाना लेकिन जाना पड़ेगा। ये मैं इधर करता हूँ, सुबह हो गई। अब देखो हमें टॉर्चेस हम नहीं लगाएंगे ना तो भी रात को चलेगा, इतना अच्छा लगता है। तो अभी मैं इतनी चलेगी क्या, 11-12 चलेगी, मैं एक बार देख लेता हूँ। 1-2 ओके इधर से देख लेता हूँ, 1-2-3-4-5-6-7-8 चल जाएगा, कोई बात नहीं चल जाएगा। मेरे पास हे बिल पड़ा है और थोड़ा सा व्हीट पड़ा है,
तो इसको हम थोड़ा सा क्राफ्ट करते हैं। मेरे पास एक्स नहीं है लेकिन कोई बात नहीं ना, हम इससे तोड़ देंगे। ओ भाई नहीं, ओ नहीं नहीं, फूटना मत फूटना मत, मुझे इधर भी डोर बनाना पड़ेगा। भाई गया क्या क्रीपर, गया? फूटना मत फूटना मत, आयरन की स्वॉट टेस्ट करेंगे हम। फूटना मत क्रीपर, ठीक है, बाकी जो करना हो करना। भाई वो रहा क्रीपर, ये बहुत ही घर में घुस रहा। अच्छा वो हमने बना लिया वरना चेस्ट पे फूट जाता वो। अब फूट अब फूट, ओ भाई तू भागो अभी। ओ क्या आवाज आया, ये पूरा इधर, ओ इधर माइन है, इधर हम जाएंगे कल पे, कल जाएंगे पक्का। इसको हम तोड़ते और अंदर की साइड पेस्ट करते हैं। और मेरे पास थोड़ी सी डॉट पड़ी है तो मैं आजू बाजू में थोड़ी सी लगा देता हूँ। इधर मैं एक रास्ता कर देता हूँ वो, अच्छा लेकिन वो हम करेंगे कल। और ये भी मेरे को कंप्लीट करना है। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।